दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे के साथ बैठकर काफी प्यारी बॉन्डिंग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो और दोनों ही कंटेस्टेंट एक साथ बैठकर दिन के अंदर जो खुद का झगड़ा हुआ था उसको शॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। इस दौरान दोस्तों तेजस्वी प्रकाश दोस्त होने के नाते बड़े ही प्यार से करण कुंद्रा को समझा रही है कि वो आखिर कहाँ पर गलत था और कौन से मुद्दे पर सही था। दरअसल दोस्तों तेजस्वी ने बात को शुरू करते हुए कहा कि आज जब मैं तुझे दिन में समझा रही थी तो उस समय तुमने तो मुझे नाराज ही कर दिया, क्योंकि उस समय तुम्हारे बात करने का जो तरीका था उसमें काफी एटीट्यूड था। लेकिन करण कुंद्रा ने कहा कि उस समय मेरा मूड ऑफ था, मेरा कोई भी एटीट्यूड नहीं था। जिस पर तेजस्वी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुमने जो आज घर वालों के साथ किया वो काफी गलत है। ये सुनकर करण ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है और मुझे अपनी गलती का जब तुमने समझाया तो मुझे गलती का एहसास भी हो गया था और तेरे ही कहने पर मैं जाकर समिता शेट्टी से माफी भी मांग के आया था और उसने मुझे माफ भी कर दिया। अब दोस्तों करण की ये बात सुनते ही तेजस्वी ने अपना सिर पीट लिया और कहा कि पागल, मैंने तुझे ये सारी बातें तो कही नहीं थी, समिता से माफी मांगने की क्या जरूरत थी। तुझे माफी तो घर के बाकी कंटेस्टेंट से मांगनी थी जिनको कि तुमने काफी कुछ गलत कह दिया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज जब घर के अंदर बिग बॉस ने टास्क दिया था उस दौरान घर वाले आपसी सहमति पर नहीं उतर पाए थे, जिसके चलते घर के सभी कंटेस्टेंट पर करण कुंद्रा बुरी तरीके से भड़क गए थे और गुस्से के दौरान करण कुंद्रा ने घर वालों को कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए थे जो कि किसी के दिल को ठेस भी पहुंचा दिए। और इसी मुद्दे पर तेजस्वी प्रकाश ने समझाया कि तुम्हें घर के सभी कंटेस्टेंट से माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों करण कुंद्रा ने तेजू की बातों को समझे बगैर ही समिता के सामने जाकर माफी मांग ली थी और ये उनको बिल्कुल भी नहीं करना था, क्योंकि दोस्तों प्रतीक का साथ उस समय समिता भी दे रही थी, यानी कि समिता भी गलतियों में शामिल थी। हालांकि दोस्तों बात चाहे जो कुछ भी हो, अब करण और तेजस्वी के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो सारे के सारे दूर हो चुके हैं और दोनों कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ पहले की तरह ही दोस्ती निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको दोनों का ये अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप भी करण और तेजस्वी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।